सो वेलकम बैक गाइस। आज हम फिर से मीम्स लेके आ गए हैं बहुत सारे। आपने कभी असली में एलियन देखा है? कोई मिल गया मूवी में तो सबने देखा होगा, लेकिन असली में चलते फिरते एलियन देखा है? वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बिना किसी देरी के जल्दी से चलते हैं मीम्स की तरफ और पहला मीम देखते हैं। कुछ बोलो यार एल्विश, पागल हो गया ये? अरे एल्विश कौन होता है बोलने वाला? तू क्यों है? ये वैसे बोली पता है, तू 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 ताले तू मेरे ताली क्लास क्यों रे? गाइस मैं भी बहुत यूज करता हूँ कई बार ना, एकदम से मुंह पे चढ़ जाती है। पहले तुप 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 ताले तुप 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 मेरे 20 लाख रुपया दे, तूने मेरे मालिक का 20 लाख रुपया खाया। आगे देखते गाइस। गाइस मैं जिस जादू की बात कर रहा था आपके सामने पेश है एलियन। अगर आपको कोई पैसे दे कि हाँ भाई इतने करोड़ आपको देंगे और ऐसे कपड़े पहन के आपने रेगुलर घूमना है, तो आप क्या उसको हाँ करेंगे या ना करेंगे कमेंट्स में जरूर बताना। क्योंकि ये ड्रेस देख के मेरे को लग रहा है ड्रेस डिजाइनर कौन है पहले तो, और ये मुंह पे ऐसा बना दिया है और उसने पहन भी लिया है, और मैं सोच के हैरान कि कैसे पहन लिए, क्या पहन लिए और क्यों पहन लिया है। काफ़ी यूनिक है, बट हर यूनिक चीज़ अच्छी नहीं होती ना, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। एलियन वाइब्स दे रहा पूरी, जैसे वो धूप करता है ना वैसे कोई वाला सीन लग रहा है मुझे तो पूरा। आगे चलते हैं वाइब्स। अगर बाहर होता तो छोड़ता नहीं मैं। ओ भाई वाह। सो ये डॉगी लिटरली वहां से अपने केज में से होके बाहर वाले खाली एरिया को छोड़ के दूसरे केज में आया फिर भौंकने के लिए। जैसे वो होता है ना लड़ाई होती है जब दो बंदों की लड़ाई होती है, माँ तू पहले हाथ लगा, तू पहले हाथ लगा, तू पहले हाथ लगा, हाथ तो लगा, हाथ कोई नहीं लगाता, लड़ाई होती रहती है, वर्बल चलती रहती है, लेकिन लड़ाई होगी नहीं असली। तो ये डॉगी भी थोड़ा शाना था, वैसे ही कर रहा था, बिल्कुल डिट्टो इसने वैसे ही करा। तो ये मीम अच्छा था। बताइए कौन सी फिल्म है? पता नहीं बाबा कौन सी फिल्म है। हम आपके हैं कौन? चल कोई नहीं, मेरा बेटा है इसको एक और चांस देता हूँ मैं। बताइए कौन सी फिल्म है? ये हम आपके कौन है बाबा? मैंने प्यार क्यों किया? चल कोई नहीं, मेरा बेटा एक और आखिरी चांस तुझे। बताइए कौन सी फिल्म है? कौन? नहीं मैंने प्यार क्यों किया? नहीं तो नो एंट्री का ये इशारा कैसे हुआ? अरे वो आदमी नो एंट्री में घुस रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ कहाँ घुस रहे हो, नो एंट्री है। नो एंट्री गाइस, ये बताओ कौन सी मूवी है? अब सोच के मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कौन सी मूवी है। अगला देखते हैं गाइस। चूहा मर के जड़ हो जाए ना, वो वाली कंडीशन तो फिलहाल में है उसकी सचिन की, और आगे को और ज्यादा बिगड़ने के आसार है। क्यों बिगड़ेंगे भैया? दिख रहा है उसकी हालत, बोलता तो वो है ना, बोलने वो देती ना है, और मुंह पे हाथ फिरा के छिछोर बनती और करती रहे बैठी बैठी। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। भैया आंटी ने ना ये सचिन और सीमा की ऐसी तैसी कर रखी लेन देनी, और ये खुद वायरल हो गई है न्यूज में आके। मतलब काम, मतलब जो वायरल हुए थे पहले कोई और, लेकिन अब उसकी मतलब जो पहले वायरल हुए थे वो सब लोग भूल के आंटी के पीछे हो रही है। कौन है लप्पू सा सचिन, छिछोरा सचिन, छिचुंदर सचिन, चूहा सचिन, यही लगे बस। आंटी ने काम खराब कर रखा उनका। किचन किसी के बाप का नहीं है, याद रखें आप। मैंने ये बोला बाप पे चला रहे, चिल्ला रहे बाप पा बोला नहीं, चिल्लाओ नहीं बाप पा बोला नहीं, किसी के बाप नहीं बोला, समझे क्या? मैं तेरे को बोल देती हूँ, मानो हाथ मत लगाओ। मैं बोल देती हूँ, जबान जबान की बात कर। मैं हाथ मत लगाओ। क्या करेगा? मैं हाथ मत लगाऊं। क्या करेगा? मैं अंडा बनाऊंगा। बना के दिखा। चल बना के दिखा भाई। ये गाइस बहुत वायरल हुआ था ये, जब ये वाला बिग बॉस आया था, पता नहीं कौन था, 1 है कि 2 है या 3, कौन सा मेरे को नहीं पता, लेकिन ये स्पेशली ये वाला सीन बहुत वायरल हुआ था कि बाप पे जाना नहीं,
ये वाला सीन बहुत तगड़ा हुआ था, लड़ाई हो गई थी फुल ऑन। तेरे को स्पेशली खत्म करना है, रुकना है, खत्म करना है। एनो का फर्क पड़ता है। अरे गाइस ये क्लिप ना उसकी है, अभी रिसेंटली मैच हुआ था इंडिया वेस्ट इंडीज का, तो उसमें उन्होंने मतलब हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें तिलक वर्मा नॉन स्ट्राइकर रन पे था, 49 पे नॉट आउट, तो 50 होने चाहिए थे, उसके 2 रन रहते थे, लेकिन उन्होंने हार्दिक पांड्या ने 6 मार दिया। मेरे को बहुत गलत लगा ये वाला सीन, उसको एटलीस्ट 50 कंप्लीट करने देनी चाहिए थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, 6 मार के उसको खत्म करने दिया, उसको नॉन स्ट्राइकर पे रहने दिया 49 पे नॉट आउट, क्या फायदा हुआ इससे, उसकी 50 भी कंप्लीट हो जाती है। एक बार एमएस धोनी ने भी डिफेंस करा था किसी की सेंचुरी के लिए, तो लेकिन ये समझ नहीं आया मुझे, अच्छा नहीं लगा मुझे ये जेस्चर। अच्छा मुझे बताइए आप एक बहुत कम दिन में आप से निकलोगे ना, कितने कितने दिन बाकी, कितने 4-5 दिन बाकी है ना, तो आप निकल के पहला क्या खाओगे? मैं खाऊंगी प्रॉन्स। मैं खाऊंगा राज कचौरी, बड़ी वाली राज कचौरी। हमको लगता है कि हम निकलने के बाद सबसे पहले इसकी गर्लफ्रेंड से गाली खाएंगे। हाँ लग रहा है मुझे भी गाली खाएगी कैसे हरकतें कर रही है अंदर, तो मतलब खुद भी इसने गट्स है कि इसने खुद क्लियर बोल दी कि मैं इससे पहले सबसे ज़्यादा पहले गाली ही खाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, अगले पे चलते हैं। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बल्ले 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 बस बल्ले बल्ले तू बल्ले, मैं नहीं रहूंगा, नहीं लूंगा, तू क्या हंसता है, नहीं लूंगा, शायद ये बहुत पहले की वीडियो वाली वायरल हुई थी, और इसमें ये लड़का बोलता है नहीं लूंगा नहीं लूंगा, काफी अच्छी थी वीडियो वाली वायरल हुई थी। तो गाइस आज की क्लिपिंग हमारे पास इतनी ही थी, जो आई मैंने आपको दिखाई एंड इसके साथ हमने रिएक्ट करा, एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप डांसिंग एंड नहीं लूंगा बिल्कुल मत लोना, रोना नहीं बिल्कुल किसी ने, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम भी हंस सकें, एंड वीडियो देखो इंजॉय करो, बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डांसिंग।